अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार में दिन दहाड़े चार अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम पर धावा बोल दिया और 10 लाख रुपए कैश और 5 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। इस बीच व्यापारी के बेटे ने आरोपियों को पहचानने की बात कही और साथ ही सबक सिखाने की भी। इस पर बदमाशों ने जाते जाते व्यापारी के बेटे को गोली मार दी। व्यापारी के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 2 में सरब जैन की भागमल ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। इस शोरूम पर आज चार नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला और वहां से 10 लाख रुपए नकद और 5 किलो चांदी लूट कर ले गए, लेकिन जाते वक्त बदमाशों ने व्यापारी के बेटे अमन जैन को गोली मार दी। पीड़ित व्यापारी सौरभ जैन ने बताया कि जैसे ही नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में प्रवेश किया और हथियार निकाले, वैसे ही पीड़ित व्यापारी ने बदमाशों के आगे सरेंडर करते हुए कुछ भी ले जाने की बात कही और बाकायदा तिजोरी भी खोल दी। इस दौरान बदमाशों ने 10 लाख रुपए कैश और 5 किलो चांदी वहां से निकाल ली और जाने लगे। इस बीच व्यापारी का बेटा अमन जैन मौके पर पहुंच गया और बदमाशों को पहचानने की बात करने लगा और साथ ही कहा कि उसने उन लोगों को पहचान लिया है, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही बताया जाता है कि बदमाशों ने अमन जैन को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरी दुकान में चार आदमी आए, चारों ने हथियार निकाल लिए। मैंने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं है, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। मैंने अलमारी खोल के उन्हें 5 डब्बे चांदी के दिए और 10 लाख रुपए ले गए। मैं बेटा आ गया, बेटे की हत्यापाई हुई। बेटा कहने लगा पापा इन्हें एक कुली छोड़ने, मैंने पिछान लिए, वो बाहर निकलते जो है उन्होंने गोली मार दी। आपके दुकान से नकदी और ज्वेलरी भी ले गए क्या? हाँ, नकदी ले गए और चांदी ले गए। कितनी चांदी, कितनी नकदी? करीब 5 किलो चांदी ले गए, 10 लाख रुपए ले गए। 10 लाख रुपए। चार ही बदमाश थे? चार। तो पहचान होने पे गोली मारी उन्होंने क्या? मैंने तो पहचान नहीं, बेटे ने कहा कि मैंने पहचान लिया ना, मैं कोई सबको नहीं छोड़ने का। जितेंद्र अग्रवाल, मैं महामंत्री हूँ शास्त्री नगर व्यापार संघ, जातीय व्यापार संघ का। इस वक्त 11:30 बजे जो है चार बदमाश आए, तमंचा लहराते हुए इनकी दुकान में घुस गए। इनके फादर से हाथापाई करी, उन्होंने फिर भी सामान निकाल के दे रहे थे सारा, उसके बावजूद उनके बेटे बराबर में से आए अमन जी और उनको उन्होंने धक्का मुक्की हुई, उनको गोली मारी, छर्दा मर दिया और उनको जो है एट द स्पॉट हालत बिगड़ गई थी। इससे बड़ी लापरवाही कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। प्रशासन बिल्कुल आँख बंद करके बैठा है क्योंकि बहुत गलत किया है। व्यापारी जागरूक हो गया है और वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक जागृति विहार बंद है, कल से जो है शास्त्री नगर बंद कर दिया जाएगा। मेरे लिए वो दुखद घटना है। मेरे गृह जिले में मेरे एक व्यापारी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। मेरी अभी यहाँ के एडीजी महोदय से मैंने फ़ोन पर बात की, अभी आपका एसपी क्राइम यहाँ थे उनसे मेरी बात की। मैंने मेरा साफ कहना है ये सपा बसपा की सरकार नहीं, ये मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अपराधी या तो राम के पास या तो यमराज के पास या जेल में या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे व्यापारी के बेटे को दिन दहाड़े मार दिया गया, उसके लिए मुझे 24 घंटे में अपराधी पकड़ा जाना चाहिए किसी हालात में। इसमें कोई मरोत नहीं होगी, कोई मरोत इस्तेमाल नहीं होगी। और किसी पुलिसकर्मी कहीं, मैंने इंसाफ पूछा कि कोई भी हो वो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस व्यापारी के को और उस परिवार के साथ। हम तन मन धन से उस व्यापारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। व्यापारी, मैं गलत नहीं कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, व्यापारी मेरी आत्मा है। तो व्यापारी मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा को कुचलने नहीं दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। घटना के बाद मौके पर SSP अजय साहनी पहुंच गए और तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल शुरू कर दी गई है। CCTV कैमरों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दिया, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, मेडिकल थाना क्षेत्र में, जहाँ सौरभ जैन जी हैं, उनकी दुकान पर बता रहे हैं कि चार लोग आए और अंदर घुसा, उसके बाद उन्होंने उनसे मारने लगे। फिर उनका बेटा आया, बेटा ने आने के बाद विरोध किया, उसमें उनके बेटे को फायरिंग हुई जिसमें गोली लगी है और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में थे। बाकी डॉक्टर से बात हो रही है अभी किसी के साथ और मौके पर हम लोग हैं। पूरी चीज़ें और आसपास के जो कैमरे लगे हैं वो सारा देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें जो भी तथ्य
होगा उसको शामिल रहेगा। मेरठ का दिल कहे जाने वाला शास्त्री नगर मामा बारह बजे व्यापारी घटना हो जाती है। दिनदार पुलिस का आना जाना रास्ता यही से नहीं, क्या कर रही है लाइन, क्या क्या कर रही है सब लाइन, क्या कर रहा है इस पते यहाँ का यहाँ मेडिकल पुलिस क्या कर रही है इस समय, और तीन घंटे हो गए होने को, तीन घंटे में हम कहाँ तक पहुँचे, हम तीन घंटे में क्या क्या स्थिति है, क्या जवाब देंगे व्यापारियों को हम, अब क्या जवाब देंगे, हम ये जवाब देंगे कि सपा सरकार में होता था, बसपा सरकार में होता था, हमारी सरकार में हमारा व्यापारी घंटे में हत्यारे पकड़े जाए, उनका एनकाउंटर करो, मारो उनको, ऊपर भेजो हरामियों को, उनको निकाल कर आएगी आपको देखना, और अगर मेडिकल की गलती है तो वो सस्पेंड होना चाहिए किसी भी हालात में। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।